नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल के सीएम सिटी में जहां जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। करनाल के बल्ली चौक से यह जन आशीर्वाद यात्रा करनाल में प्रवेश करेगी, जहां पर बड़े बड़े स्वागत द्वार भी लगाए गए हैं। वहीं करनाल सीएम सिटी के विकास की पोल खुलते हुए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से लघु सचिवालय की ओर जाने वाली सड़क पर सेक्टर 12 में लगभग 2 फीट के करीब गड्ढा खुदा हुआ है, जो पिछले 10 दिनों से किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है। आसपास में रेडी लगा रहे दुकानदारों ने कहा कि पिछले 7 दिनों से वह इस गड्ढे को देख रहे हैं, परंतु प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति इसको ठीक करने नहीं आया, बल्कि इसके ईंट लगाकर रात के अंधेरे में वाहनों को किसी बड़ी दुर्घटना के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि यह सड़क जो लघु सचिवालय से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की ओर जाती है, लगभग 3-4 महीने पहले रिपेयर की गई थी, परंतु इस तरह के गड्ढे सड़क में होना एक शोचनीय विषय है, क्योंकि सड़क पर प्रशासन के आला अधिकारी, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारी अपने कार्यालय व निवास पर आते जाते रहते हैं, परंतु गड्ढे की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। समाचार एक्सप्रेस द्वारा किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए, जनहित में एवं प्रशासन को जगाने के लिए यह गड्ढा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द कोई प्रशासनिक अधिकारी एवं संबंधित विभाग इसका संज्ञान ले और किसी अनचाही दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके। ये जो सड़क में गड्ढा है, कितने दिन से है? पिछले हफ्ते हुआ है। तो इसको ठीक करने नहीं आया कोई? ठीक करने नहीं आया कोई? अभी तक तो कोई नहीं आया। एक हफ्ते करीब हो चुका है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।